तो हम चारों लोग जाने वाले हैं एक खूबसूरत सफर में, उससे पहले यहाँ पे लंच कर लेते हैं। और दीदी ने लंच में बना रखा है हमारा फेवरेट। सावन के टाइम पे बारिश होने की वजह से यहाँ पे एक बड़ा सा लॉज टूटा था। सफर में आगे बढ़ने की हम जितनी भी जल्दी करें लेकिन केदार घाटी की रोड पे होता ही नहीं है। मोटे मोटे सरिया बिछा रखे हैं, डबल जाले बन रहे हैं और ऊपर से ऐसे सीमेंट डाला जा रहा है। प्योर पहाड़ी भोजन है आज का। यहाँ पे है हरी सब्जी और राली रोटी है, यानी कि मंडवे के आटे और गेहूं के आटे की मिक्स रोटी है साथ में। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियोगीनांद से। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है और आज मौसम थोड़ा सा गुमसुम है, आसमान पे बादल लगे हुए हैं और धूप की आंच थोड़ा सा कम महसूस हो रही है। इसी के साथ त्रियोगीनांद गांव और सामने की पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल गांव का बना हुआ है और सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हैं। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं और हमारी तैयारी हो गई है अचानक से एक खूबसूरत सफ़र पे जाने की। और ये प्रोग्राम था उपप्रधान जेठ जी का और मेरे हस्बैंड जी का। तो अभी हम लंच करने के लिए उपप्रधान जेठ जी के घर पे जा रहे हैं। उन्होंने हमको ऑलरेडी लंच बना के तैयार कर दिया है। हस्बैंड जी आगे चले गए हैं तो अब मैं भी चलती हूँ। तो चलिए जी, हम उपप्रधान जेठ जी के घर के ऊपर छत में पहुँच गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारे दो प्यारे डॉगी बल्ली और पांडू मस्त मज़े से सोए हुए हैं, धूप का आनंद ले रहे हैं। और यहाँ छत से पूरे गांव का नज़ारा ना बहुत ही गजब का दिखाई देता है, ऊपर से लेकर और इधर पूरा गांव दिखाई देता है। हमारे गांव का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और इस गांव के अलावा 2-3 मोहल्ले अलग भी हैं, तो बहुत बड़ा गाँव है इस एरिया का ये। तो अब चलते हैं लकड़ी वाले किचन में। ये वाला किचन लकड़ी वाला है, धुएँ वाला किचन हर किसी ने सबसे ऊपर छत में बनाया रहता है। तो अब चलते हैं लंच करने के लिए। तो उपप्रधान जेठ जी बहुत भक्त हैं भाई, ये देखिए पंछी के लिए भी रख दिया सबसे पहले ऊपर, अपने खाने से पहले कुत्तों के लिए, पंछी के लिए, किस किस को रखते हैं? बस बिल्ली, बिल्ली सबके लिए बस। चलो बढ़िया बढ़िया, पुण्य का काम है, हम लोगों को भी जो कुछ मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ किचन में दीदी जी, जेठ जी और हस्बैंड जी के लिए खाना परोसने लगे हैं। दीदी प्रणाम। ठीक ठाक वे की तैयारी? अच्छा, आज खूबसूरत सफर में है सीधा? बिल्कुल चल रहा हूँ, सब साथ हैं। तो हम चारों लोग जाने वाले हैं एक खूबसूरत सफर में, उससे पहले यहाँ पे लंच कर लेते हैं। और दीदी ने लंच में बना रखा है हमारा फेवरेट चौंसा भात, हरी सब्जी, उसके साथ भुनी हुई मिर्च, साथ में मल्टे भी काटे हुए हैं और साथ में पापड़ भी है। दीदी आप भी खा लो, चलो सब साथ खाते हैं। और जेठ जी तो सपड़ा सपड़ी करने लगे, भूख लगे हैं। और हस्बैंड जी कैसे हो रहे? बहुत बढ़िया बढ़िया हो रहा है। काले काले बटका चूसा है ना? हाँ, ये जबरदस्त स्वादिष्ट हो रहा है। बिल्कुल, मैंने तो पहली बार खाई ये वाला बटके चूसा। नहीं नहीं, पहले भी बनाया हुआ, लेकिन अलग अलग टेस्ट होता है हर किसी के हाथ का। अलग ही हो रहा है, बहुत जबरदस्त। दीदी अच्छा काली दाल का है? काला भट मत बोलो, काली दाल बोलो, काली दाल का चूसो तभी टेस्ट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जेठ जी लोगों का जो चूल्हा है ना, वो बिल्कुल अलग सा है, बहुत ही सुंदर बना रखा है। उसमें जो अगेनो है ना ऊपर के, जिसमें बर्तन रखते हैं, वो बिल्कुल सुंदर सुंदर बना रखे हैं। तो लंच करने के बाद दीदी भी बिल्कुल रेडी हो गई है और हमारी तैयारी हो गई है खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ने की। और हम जल्दी जल्दी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमने बहुत दूर जाना है। तो अब चलते हैं। तो जसरो जी के घर के नीचे रोड में ही हमने गाड़ी पार्क करी रहती है। तो अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। आजकल केदार घाटी में लगातार निर्माण कार्य चल ही रहे हैं, जिससे रोडों पर ईंट, बजरी और डस्ट वगैरह देखने को मिल रही है। तो ये रामपुर मार्केट है और यहाँ पर भी लोगों के निर्माण कार्य लगातार प्रगति पे हैं। और सावन के टाइम पे बारिश होने की वजह से यहाँ पे एक बड़ा सा लॉज टूटा था और उनका देखिए फिर से यहाँ पे लॉज बनने लग गया है। सफ़र में आगे बढ़ने की हम जितनी भी जल्दी करें लेकिन केदार घाटी की रोड पर होता ही नहीं है। जगह जगह पे निर्माण कार्य लगातार जारी हैं, पुस्ते वगैरह लग रहे हैं। शायद 2-4 सालों में रोड अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। अभी तो बहुत ही भयंकर धूल उड़ रही है और जब बारिश हो रही ना तो इन रोडों पे भयंकर कीचड़ हो जा रहा है। यात्रा सीजन के टाइम पे इन सकरी सकरी रोडों पे बहुत ही भयंकर जाम लगता है। और यहाँ पे डबल कटिंग भी नहीं हुई है क्योंकि इन बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पुराने ज़माने के टाइम पे बने हुए पुल सकरे जरूर हैं लेकिन बहुत ही मजबूती थी इनकी। और अब यहाँ पे एक नया पुल बन के भी तैयार होने वाला है, निर्माण कार्य लगातार प्रगति पे है। वैसे सड़क चौड़ी करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों से ये पहाड़ काटे जा सकते हैं लेकिन बरसात के टाइम पे भयंकर लैंडस्लाइड होने का खतरा होता है। और पहले के ज़माने में जब ये रोड कटिंग हुई थी ना, उस टाइम से लोगों ने अपने हाथों से कटिंग करी है इस रोड की, तो जितनी सुविधा हुई है उतना ही नुकसान भी होता है। अब
गुप्तकाशी मार्केट में पहुंचते ही हम थोड़ा सा यहाँ पे रुक गए हैं। हमने अपनी गाड़ी साइड लगा दी है। वैसे भी आज हम रास्ते में रुक रुक के आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं और काफ़ी सारा काम होता है। और अभी हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। दुकान पे तो लॉक लगा हुआ है और वो भाई साहब अपने घर पे जा रखे हैं, उनका घर यहीं नज़दीकी है। और यहाँ से देखिए सामने चौखंबा पर्वत बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। आज चौखंबा पर्वत पे बिल्कुल भी बादल नहीं लगे हुए हैं और आज आसमान पे बादल लगे हुए हैं। और भाई साहब भी आ गए हैं। बेज प्रणाम। प्रणाम। ठीक ठाक बस बढ़िया बढ़िया। तो शॉपिंग वगैरह करने के बाद अब फिर से बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे। गुप्तकाशी से सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक जगह पे रुक गए हैं। यहाँ पे लगातार रोड का निर्माण कार्य चल ही रहा है और उधर से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही ना, तो हस्बैंड जी ने पहले ही गाड़ी साइड लगा दी क्योंकि वहाँ पे बहुत ही भयंकर जाम लगा हुआ था। और यहाँ पे नए रोड का निर्माण हो रहा है और इधर साइड बहुत अच्छी रोड बन के तैयार होने वाली है। अभी तो यहाँ पे जाम लगेगा ही क्योंकि रोड काफ़ी संकरी है। ऊपर साइड देखिए कुछ इस तरह से रोड बन रही है, मोटे मोटे सरिया बिछा रखे हैं, डबल जाले बन रहे हैं और ऊपर से ऐसे सीमेंट डाला जा रहा है, यानी कि बाद में यहाँ पे काफ़ी अच्छी रोड बनने वाली है। पहाड़ों में हमने हमेशा पेंटिंग होते देखा है, ऐसे सीमेंट वाली रोड फर्स्ट टाइम बन के तैयार हो रही है। पीछे से गाड़ियों की लाइन लगी है इसलिए जल्दी जल्दी बैठना पड़ रहा है। इस सीमेंट में तराई होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे कट्टे बिछा रखे हैं, उनको भिगो के रखेंगे फिर सीमेंट आराम से पानी पीता रहेगा। कुंड के पुल में पहुंचते ही हमने यहाँ से राइट साइड जाना है रुद्रप्रयाग साइड की ओर। हमने फिर से एक जगह पे स्टॉप ले लिया है और हम यहाँ पे रुके हैं शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। बाहर अंधेरा होने लग गया है और अभी हम क्यूंजा घाटी की रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमको अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर का ये सफ़र होने वाला है। खूबसूरत सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम आज की डेस्टिनेशन जिला चमोली के कनक चौरी में पहुंच गए हैं। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, बहुत ही ठंडा हो रहा है, सेम टू सेम जैसे हमारे त्रियोगीनार में होता है ऐसे ही ठंडा महसूस हो रहा है। तो यहाँ पे जेठ जी ने रूम वगैरह भी देख लिया है और कनक चौरी से हम कल एक खूबसूरत सफ़र पे फिर से आगे बढ़ने वाले हैं, वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा। फिलहाल हम रूम पे चलते हैं। एक बारीक गली से हम नीचे की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दीदी बोल रही है अगर मोटा इंसान हो जाएगा बोल फंस जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हमने 2 रूम लिए हैं, ये वाला रूम हमारा है और उधर साइड वाला रूम जेठ जी लोगों का है। और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं तो हम भी एक सुंदर से होम स्टे में रुक गए हैं। इस होम स्टे का नाम तो हमको पता नहीं है, कल पढ़ लेंगे। आज अभी फ़िलहाल रूम मिल गया है। हमको तो यही टेंशन हो रही थी कि इतनी रात हो गई है रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया है। तो चलिए जी, जिनके होम स्टे में हम रुके हैं वो हमको गर्मा गर्म चाय बना के ले आए हैं। धन्यवाद भाई जी ब्लॉग देखने के लिए भी। तो अब इनके हाथ की बनी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। कार्तिक स्वामी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रात के लगभग 9 बजे का टाइम हो गया है और रूम से हम अभी बाहर आ गए हैं डिनर करने के लिए। ऊपर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, देखते हैं आज के डिनर में भाई साहब लोगों ने क्या तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे भाई साहब लोग हमको खाना परोसने लगे हैं और प्योर पहाड़ी भोजन है आज का। यहाँ पे है हरी सब्जी और राली रोटी है, यानी कि मंडुवे के आटे और गेहूँ के आटे की मिक्स रोटी है, साथ में दाल है और दाल में घी भी डाला हुआ है। सैलेड में देखिए मिर्च है और बहुत ही पहाड़ी रसीले माल्टे हैं और ये सेब भी है और साथ में टमाटर भी है, प्याज भी है और सबको खाना परोस लिया है। धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए भी और हमको इतना प्यारा खाना परोसने के लिए भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब यहाँ पे हम गर्मा गर्म टेस्टी डिनर का आनंद लेते हैं। होम स्टे में रुकने का यही फ़ायदा होता है कि हमको प्योर पहाड़ी भोजन मिल जाता है। तो अब गर्मा गर्म टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं और अचानक सा प्रोग्राम बनाना हमारा जैसे, तो वैसे हमको लोग भी अच्छे मिले, रूम भी अच्छा मिला और साथ में खाना भी बहुत अच्छा मिला। चलिए जी, टेस्टी डिनर करने के बाद वापस हम रूम में आ गए हैं और हमारे सुहावने सफ़र का ये फर्स्ट स्टॉप है, यानी कि हम अभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। कल हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे और यहाँ आने के लिए मैं बहुत पहले से सोच रही थी कल आपको पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और हमको भी यहाँ के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।